तो आज का ब्लॉग होने वाला है एक जर्नी ब्लॉग और हम सब जा रहे हैं आगरा। आगरा तो चलिए मेरे साथ घूमने के लिए आगरा चलो। ये भी चल रहा है, कौन है ये? ऑक्टोपस। क्या नाम क्या दिया इसका? ऑक्टू। तो आ गई हमारी ट्रेन और हो गई है जर्नी। सोना का मुंह ऐसा है, देखिए सोना का मुंह ऐसा है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही मूड चल रहा है। क्यों भाई नहीं खाना है इसको? नाराजगी है, फोन चाहिए। ध्यान दिया जा रहा है पिताजी को, स्कूल की बातें बताई जा रही है। सारा करते थे वो, सारा होमवर्क भी। अरे मैडम कितने बजे उठती है पता है? 6 बजे। इतनी जल्दी? 6 बजे? 6 बजे नहीं, 7 o'clock उठती है। तो फिर स्कूल आकर लेट उठती है? डांटो ना उनको मैडम को। क्यों? तो इतनी लेट क्यों उठती है? लेट इसलिए उठते हैं क्योंकि उनके टांग दुखते हैं, कमर दुखते हैं, सिर दुखते हैं। आप इतना परेशान करते हो मैडम को? नहीं, वो बच्चे लोग परेशान करते हैं। पहुंच गए हम लोग आगरा, अब पकड़ेंगे ऑटो और जाएंगे अपनी होटल। पकड़ लिया है हमने ऑटो और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने ऑटो बुक कर लिया है फुल डे ऑटो के लिए, फुल डे भ्रमण के लिए। और यहाँ पे ये सिस्टम है कि इस तरीके की स्लिप मिलती है आपको, सर में जमा हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि पूरा दिन आप घूम लो, ठीक है, बाद में आप ऑटो रिक्शा वाले को ये स्लिप दे दो ताकि उसको ये पैसा यहाँ टूरिस्ट सेंटर से मिल जाए। ये शाम को मिलेगा इनको। मौसम बहुत गर्म है, हमारे गोरे गोरे देव साहब एकदम उफन रहे हैं गर्मी से। ये हमारे कहने पे हाथ हो गए हैं घूमने, लेकिन पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान मैच छोड़ के इनको बड़ा दुखद अनुभव है कि भाई चलो एक दिन हम स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के लिए। लेकिन होप सो कि थोड़े बादल आ जाए और मौसम थोड़ा खुशनुमा हो जाए। बुरा है जमाना तू चल डगर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर मंजिलों की। तो पहुंच गए हम हमारे होटल, ये है हमारा होटल। अभी जाएंगे थोड़ी देर नहाए धोएंगे, रेडी होंगे और फिर निकलेंगे। का टाइम है और आज मैंने वियर किया है राजस्थानी ड्रेस और हम देखने जा रहे हैं भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ताजमहल। तो जाने के 4 गेट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ से। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं वेस्ट साइड से, ये है वेस्टर्न गेट। तो चलिए चलिए। लो इन इन में बैठ जाओ, इन में बैठो, सीधा पहुंच जाओ। आप कितने लोग हैं सर? दो? हाँ दो। पैरों को बांधे बेड़िया बताए सा कहानिया, हमने सोचा हम सुबह जल्दी जा रहे हैं तो हमको भीड़ के दर्शन भी होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे ये आलम है आगरा में। तो वो वाली जो लेन है वो है रॉ टिकट्स जिसने लिए हैं उनकी, और ये वाली जो टिकट है ये ऑनलाइन टिकट्स जिन्होंने बुक किए
है उनकी, तो दोनों अलग अलग लेन से आप किसी भी तरीके से अंदर एंटर कर सकते हैं। पहुंच गए हम लोग एंट्री गेट के पास, ये है उसका एंट्री गेट, इसको क्या बोलते हैं, रॉयल गेट। आ जाइए आप फ्रेम में। मैं वीडियो नहीं बना। अच्छा ऐसा, तो इसे बोलते हैं रॉयल गेट जैसा हमारे गाइड भैया ने बताया। चलिए तो यहाँ पे दो तरह के टिकट्स लगते हैं, एक 45-50 रुपीस का, एक 200 का मिजोलियम का है। अच्छा। और 50 रुपीस का ताजमहल। अच्छा, 50 रुपीस जो छोटा टिकट है वो सिर्फ आप अंदर अंदर का जो छोटा एरिया ना वह देखेंगे, और जो 200 का टिकट है उसमें आप अंदर की तरफ जो ताजमहल मेन जहाँ पे बना हुआ है वहाँ जा सकते हैं। तो दो तरीके के टिकट लगते हैं यहाँ पे, तो हमने लिया है बड़ा वाला 200 वाला, क्योंकि हम देखेंगे ताजमहल को एकदम पास। मुमताज ने कभी ताजमहल को नहीं देखा। गेट से हमने एंट्री करी, उसको बोलते हैं ताजमहल का वेस्ट गेट। इसके अपोजिट साइड है ईस्ट गेट, दिस इज ताजमहल नॉर्थ गेट, दिस इज ताजमहल साउथ गेट। अच्छा, वो साउथ गेट। अच्छा, सबके लिए उन्होंने एक एक गेट पे एक एक नाम लिया। जो 20,000 लोग काम कर रहे थे, 20,000 पीपल इस गेट से अप एंड डाउन होते थे, उसको बोलते हैं लेबर गेट। अच्छा, ये लेबर गेट, यहाँ से जो वर्कर्स थे ताजमहल जिन्होंने बनाया वो यहाँ से एंटर करते थे, तो इसको लेबर गेट बोलते हैं। बुलंद दरवाजा, बुलंद मीन्स बड़ा। जो इस गेट का हाइट है बॉर्डर टू टॉप 105 feet अबाउट 35 meters। ये आपको देख रहे हैं ना, कलर पेंटिंग फूल पत्तियां बनी हुई हैं आपको, फ्लावर जो दूर से देखने हैं लुक लाइक कलर पेंटिंग। ये कोई कलर नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, रियल सेमी प्रेसिस स्टोन है। टॉप पे देखना है छोटे छोटे स्मॉल डोम, कितना डोम है बता सकते हैं, हाउ मेनी डोम है ऊपर जो बने हुए हो, 10-11 परफेक्ट। 11 डोम इसके फ्रंट साइड में, 11 एग्जैक्टली बैक साइड में, टोटल 22 डोम्स हैं। शाहजहाँ मेमोरी के लिए 1 dome 1 year कंप्लीट मेमोरी ऑफ द ताज। अच्छा, जितने साल हुए लगे ताजमहल को बनने में उसका एक डोम बनाया गया, इसीलिए पता चलता है कि 22 years लगे, क्योंकि 22 डोम्स हैं यहाँ पे, तो पता चलता है कि 22 years लगे ताजमहल को बनने। ठीक है, और इसका 500 मीटर का दूरी है, आधा किलोमीटर एकदम सेंटर लाइन से देखे, एकदम कैसा बना हुआ है देखो, इधर 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 एग्जैक्टली परफेक्ट बना हुआ है ना, एक इंच भी इधर उधर, मतलब पहले के टाइम में भी इतना सब कुछ परफेक्ट था। और भी अंदर बताऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सा कहानियां, तो रोशनी है, बना है तुम्हारे गजब आसमान है, तो इस जमाने का। एंट्री से हमें गाइड भैया लेके जा रहे हैं कहीं और गेट में साइड से, जहाँ से इसका व्यू और ज़्यादा खूबसूरत आएगा और हमें फोटोग्राफी करने का मौका मिल जाएगा। तो सच में शाहजहाँ ने जो भी बनाया है बे इंतहा खूबसूरत जगह है ये। गुजर ऐसी राह से गुजर, जी उठे हर घड़ी हर पल। सही कहा है कि कोई भी चीज दूर रखी ज्यादा खूबसूरत लगती है, तो ताज का मेन पॉइंट ये है कि ये दूर से इतना ज्यादा सुंदर लगता है, जैसे जैसे आप पास जाएंगे ना तब ये इतना बड़ा दिखने लगता है, फिर इसकी खूबसूरती आंखों में समाती नहीं। ताज में जैसे जैसे नजदीक जाएंगे इसके जो चार पिलर्स है ना ये इनविजिबल मतलब अदृश्य होते चले जाएंगे, तो अभी हम वहाँ से देख रहे थे तो चारों पिलर दिख रहे थे, अब हम इसके नजदीक आए तो आप देखिए एक पिलर दिखना बंद हो गया। जा रहे हैं और ज्यादा नजदीक, अब दूसरा पिलर भी छुप गया है, दूसरा पिलर भी छुप गया है दिखने में, तो अब धीरे धीरे सिर्फ ये दो पिलर्स बाकी रहे हैं, दो पिलर्स दिखना बंद हो गए, और जो ऊपर का टॉम्ब है वो भी धीरे धीरे दिखना पूरी तरीके से बंद हो गया। तो ये है ताजमहल के बाहर का व्यू, आज मौसम थोड़ा सूर्य देवता की मेहरबानी है गर्म हो रहा है, लेकिन इतनी खूबसूरती देखने के बाद मैं मन तृप्त हूँ। वो था बुलंद दरवाज़ा जहाँ से हमने एंटर किया था, अब सेम दूसरी चीज़ ये दूसरा गेट, चारों तरफ ताजमहल के चार गेट बने हुए हैं, तो ये सेकेंड गेट है, यहाँ से भी इसका व्यू सेम दिखेगा। मंजिलों हो, है कोई खबर।
एग्जिट ये वहीं से करेंगे ना वहाँ पर। आप भैया ने बता दिया कि इधर आप अपने वो करो वीडियो बन, वो भैया इधर बता देंगे और इधर रील वील सब थोड़ी बहुत बनती है, मतलब छुपते छुपाते बना लो, ठीक है? नहीं ये सब बन जाएगी, बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं, बिजी हो गया ये लोग, बिजी हो गए, फिर अपने को ये छोड़ देंगे, फिर अपन अंदर जाके जो भी देखें। अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था वाला, मुमताज ने 3 प्रॉमिस किए थे, मेरे मरने के बाद ऐसी चीज़ बनवाना मेरी कब्र पे दुनिया देगी, ताजमहल बनवाया, पूरा किया प्रॉमिस, कितनी बड़ी बात थी। दूसरा प्रॉमिस देता मेरे बच्चों का टेक केयर करना, अच्छा। तीसरा प्रॉमिस चौथी शादी, क्या चौथी शादी मत करना, चौथी शादी मत करना, अच्छा। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड अरेंज मैरिज थी, थर्ड वाइफ थी लव मैरिज। सर एक नालिया बनी हुई है, पहले की अंडरग्राउंड जोर से गा, सफाई अच्छे से घूम। तो ये है यमुना रिवर जिसके किनारे पे बना है ये खूबसूरत ताजमहल, ये दिल्ली से आ रही है और इलाहाबाद जा रही है। जब 3 मिलते हैं ना सिंगम और बोलते हैं, हाँ संगम, संगम बताओ, नॉट सिंगम, सिंगम तो वो है अजय देवगन। पहुंच गए हम लोग ताजमहल के अंदर वाला पोर्शन जो है वहाँ पे, इनसाइड ताजमहल तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है लेकिन बाहर आउटर एरिया में आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते। तो ये है यमुना नदी पास से निकलती हुई, उसके पास में है मस्जिद जो बनाई गई थी, वो है मेन एंट्रेंस, वो है मेन एंट्रेंस गेट, ये है मस्जिद जो बनाई गई थी यहाँ नमाज अदा करने के लिए, और यहाँ सामने है आपके ताजमहल। ताजमहल के जो 4 पिलर आपको नज़र आ रहे हैं वो चारों थोड़े से टिल्ट बनाए गए हैं, ताकि मैंने बताया ना जैसे कि भूकंप आएगा तो एक पिलर इधर गिरेगा, एक पिलर उधर गिरेगा, एक पिलर उधर गिरेगा, एक पिलर इधर गिरेगा, ताजमहल के ऊपर कुछ भी नहीं गिरेगा। तो हो गया है हमारा ताजमहल विजिट डन। अब एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो कपड़े सारे पसीने में हो गए, तो अभी जाएंगे नाश्ता पानी करके होटल, वहाँ से चेंज करेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। चलो।